देश में आज यानी 1 जून से 7 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम, हवाई सफर का किराया बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बदला गया, चेक से पेमेंट का तरीका, गूगल फोटोज की अनलिमिटेड स्टोरेज और आयकर विभाग का नया ई फाइलिंग वेब पोर्टल शामिल है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं आज से क्या क्या बदल रहा है। पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक हर खाता धारक का पीएफ खाता आधार से लिंक होना चाहिए। इस काम की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी कि वो अपने कर्मचारियों से कहे कि वो अपना पीएफ आधार से वेरीफाई कराएं। ये नया नियम 1 जून से लागू होगा। ईपीएफओ ने इस बारे में अप्लायंसेस के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नौकरी देने वाली कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कर पाती तो इससे सब्सक्राइबर के खाते में एम्प्लॉयर का योगदान रोका जा सकता है। साथ ही सब्सक्राइबर्स का यूएएन भी आधार से वेरिफाइड होना चाहिए। इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट। इनकम टैक्स विभाग का ई फाइलिंग पोर्टल 1 से 6 जून तक काम नहीं करेगा। आयकर विभाग 7 जून को टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग का नया पोर्टल लॉन्च करेगा। वहीं आईटीआर भरने की आधिकारिक वेबसाइट 7 जून से बदल दी जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 जून से लागू होगा पॉजिटिव पे सिस्टम। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक ध्यान रखें कि बैंक में आज से चेक से पेमेंट का तरीका बदलने वाला है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे कंफर्मेशन शुरू कर रहा है, जिसमें चेक जारी रखने वालों को उस चेक से जुड़ी कुछ जानकारियां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने वाले बैंक को देनी होगी। ये जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के जरिए दी जा सकती है। ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की डिटेल्स को तभी रिकन्फर्म करना होगा जब वो 2 लाख रुपये या इससे ज़्यादा के बैंक चेक जारी करेंगे। गूगल फोटोज का स्पेस अब नहीं रहेगा फ्री। 1 जून के बाद से गूगल फोटोज में अनलिमिटेड फोटोज अपलोड नहीं कर सकेंगे। गूगल का कहना है कि 15 GB का स्पेस हर जीमेल यूजर्स को दिया जाएगा। इस स्पेस में जीमेल के ईमेल भी शामिल हैं और साथ ही आपके फोटोज भी। इसमें गूगल ड्राइव भी शामिल है। अगर 15 GB से ज्यादा स्पेस यूज करना है तो इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। अभी तक अनलिमिटेड स्टोरेज फ्री था। गैस सिलेंडर की कीमतें। 1 जून को सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। हर महीने की 1 तारीख को देश की सरकारी तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। YouTube से कमाई करने वालों को देना होगा टैक्स। अगर आप YouTube से कमाई करते हैं तो आपको 1 जून के बाद से इसके लिए YouTube को पे करना होगा। लोग आजकल YouTube पर वीडियो बनाकर काफी पैसा कमा रहे हैं, ऐसे में अब YouTube से होने वाली कमाई पर आपको टैक्स देना होगा। हालांकि आपको सिर्फ उन्हीं व्यूज के लिए टैक्स देने होंगे जो अमेरिकी व्यूअर्स से मिले हैं। इस पॉलिसी को 1 जून 2021 से शुरू किया जाएगा। आज से बढ़ेगा घरेलू हवाई यात्रा का किराया। देश में पिछले साल किराए में लगाए गए कैप की लोअर लिमिटेड को DGCA ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर बढ़ा दिया है। खबरों के मुताबिक घरेलू हवाई यात्रा 1 जून से महंगी होने वाली है। किराए में 13% से 16% तक की वृद्धि होगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक 40 मिनट की दूरी वाले विमानों के लिए निचली सीमा 2300 रुपये बढ़ाकर 2600 रुपये कर दी गई है। वहीं 40 से 60 मिनट की यात्रा करने वाली फ्लाइट के किराए की निचली सीमा 2900 रुपये की जगह अब 3300 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है। राहत की बात यह है कि सरकार ने कोविड काल में किराए के लिए लगाए गए कैप की अपर लिमिट को ज्यों की त्यों रखा है। इसकी वजह से हवाई यात्रा के अधिकतम किराए वही रहेंगे जो पिछले 1 साल से चले आ रहे हैं। यानी कि एक तो कोरोना में वैसे ही लोग परेशान हैं, ऊपर से बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों की जेब पर अब इसका पूरा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।